ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप से बहुत मदद मिल रही है। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप से बहुत मदद मिल रही है। इस स्कीम के तहत भी हर महीने करीब करीब 500 खिलाड़ियों को आर्थिक मदद दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ खिलाड़ियों की जरूरत को देखते हुए सरकार ने उन्हें 2.5 करोड़ रुपए से लेकर 7 करोड़ रुपए तक की मदद की है। साथियों, आज का नया भारत स्पोर्ट्स सेक्टर के सामने मौजूद हर चुनौती के समाधान का भी प्रयास कर रहा। सुना आपने प्रधानमंत्री का ये बयान, यूपी के बस्ती जिला में हुए सांसद खेल महाकुंभ का है, जहां उन्होंने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की तारीफ की। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि जिस वक्त पीएम खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी वक्त देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर गोल्ड मेडलिस्ट बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत कई रेसलर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में धरना दे रहे थे। नमस्ते, मैं शिवम हूँ और आप हैं मंच पर। विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। विनेश ने कहा, छोटी छोटी चीजों के लिए टॉर्चर किया जाता है, धमकी दी जाती है कि जान से मार देंगे, फेडरेशन की ओर से खिलाड़ियों का शोषण किया जाता है। अगर हम में से किसी भी खिलाड़ी को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार कुश्ती संघ के अध्यक्ष व फेडरेशन होगा। अब हम मरने के लिए तैयार हैं पर पीछे नहीं हटेंगे। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट बजरंग पुनिया की अगुवाई में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, सोनम मलिक और अंशु मलिक समेत इंडिया के टॉप के पहलवानों ने जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि संघ पहलवानों के साथ गुलाम जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मांग पूरी न होने तक वे नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। मेरी इतनी इमेज गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली इफेक्ट करता होगा उस चीज का? क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या क्या नहीं है, किस लेवल का है? भारतीय कुश्ती संघ पर आरोप लगाते हुए बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत सभी पहलवान सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो गए हैं। सभी एक के बाद एक संघ अध्यक्ष के खिलाफ धड़ल्ले से ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें वे #WFI प्रेसिडेंट और बायकॉट रेसलिंग प्रेसिडेंट के साथ अपने अपने धरने प्रदर्शन की फोटोज पोस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने PMO इंडिया, PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह यूपी के गोंडा के कैसरगंज लोकसभा सीट से BJP सांसद हैं। ब्रिजभूषण पूर्वांचल के बाहुबली नेता माने जाते हैं और अब तक 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। वो खिलाड़ी हैं, हम अध्यक्ष हैं, हम उनसे मिलने के लिए ही आए थे। जैसे मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं बाराबंकी में एक कार्यक्रम में था और मुझको वापिस से फोन गया कि कुछ खिलाड़ी, पहले इतना नहीं पता था कि कुछ खिलाड़ी जो है ट्वीट किए हैं, फिर पता लगा कि धरने पर बैठे हैं। मैं बाराबंकी से मैंने फोन किया कि कोई फ्लाइट है और मैंने विनोद तोमर जी को भेजा कि जा करके हमारी उन लोगों से बात करा दो, किसी से बात करा दो, बजरंग पुनिया से बात करा दो। बजरंग ही लीड कर रहा था, मैंने कहा बजरंग से बात करा दो, वो बात नहीं किया। कुश्ती और पहलवानी के शौकीन की वजह से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने साल 2004 में जिलाध्यक्ष के तौर पर कुश्ती महासंघ में कदम रखा। उसके बाद उसी साल प्रदेश अध्यक्ष और फिर 2011 में कुश्ती के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हासिल किया। 2011 से लेकर अब तक लगातार 3 बार कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं ये मामला आगे चलकर सियासी रंग भी ले सकता है, क्योंकि रेसलर्स ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मामले में दखल देने की मांग की है।
स्टोरी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और स्टोरीज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।